तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल 29 दिन कंप्लीट करके आज 30वें दिन में एंट्री मार ली है और जवान ने कल एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। मिडिल ईस्ट कंट्री में 16 मिलियन यूएस डॉलर की नंबर वन में आकर कमाई करी है। इंडियन सिनेमा की कोई भी मूवी नहीं है जिसने इतनी बड़ी कलेक्शन करी है। सिर्फ जवान ने इतनी बड़ी कलेक्शन करी, ना पठान थी, ना बाहुबली 2 थी, ना KGF 2 थी, नो वन, ओनली जवान इज क्रिएटेड दिस जाइंट रिकॉर्ड। अब यहाँ से कौन इसको तोड़ पाएगा भाई, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी आने वाली मूवीज़ के लिए। एक बार के लिए डंकी थी, एक बार के लिए सालार थी, लेकिन जो बिगेस्ट क्लैश देखने को मिल रहा है दोनों की तरफ से, तो यहां पर ये कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे। क्योंकि अगर सिंगल डे में रिलीज होती तो यस, विदाउट कंपटीशन तो यस ये एक बीट कर सकती थी, लेकिन अब सिर्फ टाइगर 3 में वो पोटेंशियल है कि इस जायंट रिकॉर्ड को एक बार के लिए मैचअप कर ले या फिर बीट डाउन कर ले। लेकिन मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, लेकिन वही बात, इंपॉसिबल नहीं है। तो जवान ने एक हिस्ट्री क्रिएटिंग रिकॉर्ड अपने खाते में रखा है। तो अभी बात करते हैं, आज जवान ने कितनी कमाई कर ली है अभी तक, कल का दिन कैसा, आज का दिन कैसा है, टोटल और कितनी कमाई ये मूवी कर सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना क्योंकि जवान से रिलेटेड बिग अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के भारी भरकम बजट में शाहरुख खान के मेन लीड में इस मूवी को कंप्लीट करा गया है, जहां पर आपको शाहरुख खान के मल्टीपल रोल्स भी देखने को मिलेंगे और मल्टीपल कैमियोज भी हैं इसमें। और सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग, सेकंड लीड में नयनतारा इज अमेजिंग, विलेन विजय सेतु पति सुपर अमेजिंग, स्टोरी लाइन मूवी की बहुत जबरदस्त है, सोशियो पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई है। तो ओवरऑल मूवी इज बेस्ट, एक्शन के मामले में दमदार है, कंटेंट मसाला दमदार है, उसके बाद स्टोरी ने और चांद चांद लगा दिया उस पर, तो जबरदस्त है। उसका कास्टिंग मैं कहूंगा कास्टिंग इज फैब्यूलस, जबरदस्त कास्टिंग है। इसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, शुरुआती मतलब फर्स्ट डे पे जबरदस्त ओपनिंग करी 130 करोड़ की, सिंगल डे में चौथे दिन पर सिर्फ हिंदी से 71 करोड़ की कमाई लेकर आई थी, जो अभी तक कोई भी ना लेके आ पाया था। फर्स्ट वीक कंप्लीट करते करते मूवी ने हिंदी से 327 करोड़ कमाए थे और पूरी दुनिया से 660 करोड़। पहला 10 दिन जब इस मूवी ने कंप्लीट कर लिया था, पूरी दुनिया में इस मूवी ने 812 करोड़ की कमाई कर ली थी। सेकंड वीक में ही, सिर्फ सेकंड वीक में कलेक्शन किया इस मूवी ने 136 करोड़ का, ह्यूज कलेक्शन नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में। यहां दो हफ्ते जब मूवी ने कंप्लीट कर लिए तो पूरी दुनिया से 922 करोड़ इसके खाते में आ चुके थे और सिर्फ टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 520 करोड़ हो चुका था। और यहां से यह देखना बड़ा जबरदस्त लग रहा था कि यह मूवी 600 करोड़ कब कंप्लीट कर जाएगी, लेकिन जल्द ही इस मूवी ने 600 करोड़ भी कंप्लीट करे। इसी के साथ जब 20वें दिन तक आते आते मूवी ने 19वें 20वें दिन ग्रोथ स्लो देखने को मिली, लेकिन जबरदस्त कमाई करके आई यहां पर भी और 1000 के आंकड़े में यहां तक पहुंच चुकी थी। और अब पठान के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लोग बड़े ही जिज्ञासित हो चुके थे। यहां पर नेट इंडियन कलेक्शन 571 करोड़ हो चुका था और बस कुछ ही दिन के बाद इस मूवी ने 600 करोड़ भी कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड वीक जब कंप्लीट हुआ तो सिर्फ थर्ड वीक में ही नेट इंडियन कलेक्शन 55 करोड़ की कमाई करके लाई थी और हिंदी से 52 करोड़ कमाया था इस मूवी ने। इसी के साथ 21वें 22वें 23 दिन स्लो ग्रोथ रही, यहां पर मूवी कंपटीशन भी मिलने लग गया था, नई मूवी आ गई थी और उसके बाद वर्किंग डेज था, डिप देखने को मिला और मूवी पुरानी भी हो चुकी थी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने पहले ही मूवी को देख लिया था। पहले 5 दिन जो खचाखच क्राउड भरा रहा था थिएटर हाउस में, मोस्ट ऑफ दी ऑडियंस 50% ऑडियंस ने पहले हफ्ते में ही मूवी को देख लिया था और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो अब देखते आ रही है। कुछ लोग तो डबल भी देख रहे हैं, ट्रिपल भी देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बाय वन गेट वन का जो ऑप्शन मिल गया है, ऑफर मिल गया है, तो यहाँ पर लोग ट्रिपलिंग भी कर रहे हैं आई थिंक। इसी के साथ 2425 दिन में सैटरडे और संडे का फुल फायदा उठाते हुए इन दो दिन में 2425 दिन में हिंदी से कमाया था 17.5 करोड़ और 25वें दिन तक आते आते मूवी ने सिर्फ हिंदी से 547 करोड़ कंप्लीट कर लिए थे, तमिल तेलुगु से 59 करोड़। 25 दिन में ही टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 607 करोड़ हो चुका था और यहाँ तक मूवी 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी थी। आई थिंक 24वें दिन में ही एंट्री मार ली थी और एक नया रिकॉर्ड यहां पर क्रिएट कर दिया था क्योंकि इंडियन सिनेमा की, बॉलीवुड सिनेमा की हिंदी मूवी कभी भी 600 करोड़ नेट इंडियन कलेक्शन नहीं कर पाई है और जवान अपने खाते में ले आया वो मंजर। पहले 25 दिन में ग्रॉस हुआ था 718 करोड़, ओवरसीज से आ चुका था 364 करोड़ और पूरी दुनिया से 1082 करोड़ आ चुका था। और मंडे तक आते आते, क्योंकि यहां तक लग रहा था कि 4-5 दिन में यह मूवी 1100 करोड़ पहुंचेगी, बट मंडे एक ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित हुआ, बूस्टर के साबित हुआ और इसने 1100 करोड़ के पास ले आया था, टच नहीं हुआ था पर ले आया था। डे 26 में 6.65 करोड़ की हिंदी से कमाई हुई और पूरी दुनिया से 11 करोड़। और इसी के साथ पहले 26 दिन में
611 करोड़ हो चुका था और पूरी दुनिया से 1095 करोड़ हो चुका था। इसी के साथ 27वें दिन में भी जबरदस्त कमाई करी और 27वें दिन में 1100 करोड़ कंप्लीट कर लिए थे। इस मूवी ने पूरी दुनिया से एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया था। यहाँ पर बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की कोई भी मूवी पहले तो 1000 करोड़ पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन पठान पहुंची। हिस्ट्री में पहले पठान ने फर्स्ट नंबर की मूवी है जिसने 1000 करोड़ कंप्लीट किए, और उसके बाद सेकंड पर जवान आ चुकी थी जिसने 1000 करोड़ कंप्लीट किए, लेकिन 1100 करोड़ के मामले में जवान फर्स्ट नंबर पर आ चुकी जिसने 1100 करोड़ कंप्लीट कर लिए। दिस इज द ओनली फिल्म हु कंप्लीटेड दिस जाइंट रिकॉर्ड। अब इसके बाद इसको मैचअप या बीट डाउन कौन करता है? टाइगर 3 में पोटेंशियल है भाई साहब, वही कर सकती है। डे 28 की बात करें तो हिंदी से 1.8 करोड़, तीनों लैंग्वेज को मिला के 1.95 करोड़, और पहले 28 दिन में हिंदी से टोटल आ चुका था 558 करोड़, और पूरी दुनिया से ये आंकड़ा 1103 करोड़ के ह्यूज कलेक्शन हो चुका था 28वें दिन में। बात करें कल यानी चौथे थर्सडे की, यानी 29वें दिन कैसी ग्रोथ रही, तो कल फुल वर्किंग डे था, साथ में मूवी चल रही थी, कॉम्पिटिशन भी मिल रहा था, और कल तो लियो दास, हमारे लियो का जो न्यू ट्रेलर रिलीज हुआ है भाई साहब, उसने क्या हाई पकड़ी है, जबरदस्त हाई पकड़ी है। लेकिन बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है तो फुकरे 3 को भी एक बार के लिए टक्कर दे रही है, लेकिन फुकरे 3 यहां पर अब खा चुकी है। फुकरे 3 जबरदस्त कलेक्शन लेके आ रही है, लेकिन वैक्सीन वॉर और बाकी की जो मूवी है इनकी तो धज्जियां उड़ चुकी है यहां पर। तो नेट इंडियन कलेक्शन कल आता दिख रहा है 1.8 करोड़ का टोटल, जिसमें से हिंदी से सिर्फ 1.7 करोड़ आ रहा है और ग्रॉस से 2.5 करोड़। कल पूरी दुनिया से 3.5 करोड़ कमाती दिख रही तो मूवी इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 29 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक 560 करोड़ का कलेक्शन करते नजर आ रही मूवी, और पहले 29 दिन में ही नेट इंडियन कलेक्शन 620 करोड़ हो चुका था और पूरी दुनिया से ये मूवी 1106 करोड़ का कलेक्शन करते नजर आई थी। बात करें आज यानी 30वें दिन यानी आज फ्राइडे कैसी ग्रोथ चल रही है, तो आज भी प्रॉपर वर्किंग डे है, लेकिन कल सैटरडे है, ऑफ रहता है, बहुत सी जगह पर बहुत लोगों का काम ऑफ रहता है, तो इस वजह से यहां पर इवनिंग और नाइट में हमें यहां पर ग्रोथ उछाल मारते नजर आएगी, तो शायद थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ता नजर आएगा जैसा पिछले दिनों हम देखते आए हैं, ऐसी कलेक्शन नहीं आएगी, लेकिन आज फ्राइडे में थोड़ी सी कलेक्शन बढ़ेगी। वही चीज आज ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 10-12% की दिख रही है, जिसमें से नेट इंडियन कलेक्शन 2 करोड़ का आता दिख रहा है और हिंदी से ही 1.9 करोड़ कमाती दिख रही है, और पूरी दुनिया से यह मूवी 4 करोड़ का कलेक्शन लाते दिख रही है। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से आज एंड ऑफ द डे तक 561 करोड़ हो चुका होगा और पहले 30 ही दिनों में एंड ऑफ द डे तक 621 करोड़ नेट इंडियन कलेक्शन हो चुका होगा। पूरी दुनिया से 1110 करोड़ के आंकड़े को आज ये कंप्लीट करते नजर आएगी। तो अभी आप लोगों की क्या राय है, कि ये मूवी 1150 करोड़ कंप्लीट कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।